रोजगार सिंह डेगोपल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि झारखंड एसएससी ग्रेजुएट लेवल जिसे जीजीएलसीईसी 2023 का जो कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, जिसका एग्जाम कि 2024 में होगा, जो कि पहले जो कि एग्जाम जो कि कैंसिल हो गया था, अब उसका री एग्जाम करवाया जा रहा है। नोटिस भी जारी हो चुका है और इसका एडमिट कार्ड आप सभी आ चुका है। अगर एडमिट कार्ड अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले है कि मेन बात यह है कि एग्जाम सेंटर पे आप जाते हैं, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं। एग्जाम सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड रहती है, क्या क्या गाइडलाइंस होती है, पूरी गाइडलाइन बताऊँगा किस प्रकार से आप एग्जाम सेंटर पर आपको जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले बात करते हैं जो आपने पोस्ट की थी 2017 पोस्टों के लिए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पदों के लिए जो कि आवेदन थे वो थी, और जिसकी एग्ज़ाम जो होगी वो होगी 21-22 सितंबर को 2024 को इसकी एग्ज़ाम होनी है। तो ये चीज़ों की ध्यान रखना है। साथ में आपको उसके साथ जो कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किया है जो कि PDF फॉर्मेट में किया है, तो एडमिट कार्ड दो डाउनलोड होंगे, एक तो होगा आपकी खुद की कैंडिडेट कॉपी और एक होगी सेंटर कॉपी। तो एक सेंटर पे कॉपी एक ले ली जाएगी और एक कॉपी आपके पास होगी, इसलिए आप उसका दो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाइए, मतलब दो एडमिट कार्ड आपका प्रिंट निकाल के आपको सेंटर पे लेकर जाना है, क्योंकि एक तो सेंटर वाले रख लेंगे और एक आपको पास रहेगी। और वो किस तरीके का ले जाना है, आप उसको लेके जाना है, आपको कलर या ब्लैक एंड वाइट दोनों में से किसी भी चीज़ में आप उसको लेके जा सकते हैं। प्रेफर करूँगा कि कलर ले जाएँ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट भी आप ले जा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड आपको कितने लेके जाने हैं, दो लेकर जाने हैं, वो भी प्रिंट आउट लेके जाने हैं, डाउनलोड कर लेना है सही तरह से A4 साइज पेपर पे आपको लेके जाना है। उसके बाद उसके साथ लेकर क्या जाना है, उसके साथ आपको लेके जानी है फोटो। तो सर उसमें एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ गाइडलाइन में कि आपको एक फोटो लेके जानी है, तो एक फोटो तो आपको लेके जानी है, फोटो रिसेंट 5-6 फोटो लेके जानी है, दो लेके जानी है। दो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मान लीजिए आपका कोई भी मिसमैच हो गया फॉर्म भरते समय, तो उस मिसमैच के लिए आपको NHR फॉर्म भराए जाते हैं, तो उसके लिए एक फोटो की और ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं भी हम इसमें से दो फोटो लेकर जाइए, वो भी रिसेंट की या जो फॉर्म में अपलोड की थी वो वाली फ़ोटो आपको लेके वहाँ पे जानी है। उसके बाद आते हैं ओरिजिनल आईडी प्रूफ, उसके साथ आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी लेके जाना है साथ में सेंटर में। जैसा कि ऐसा नहीं कि कोई फोटोकॉपी लेके जा रहे हैं, वो वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, जिसे उसमें ले जा सकते हैं आप आधार कार्ड। आधार कौन सा ले जाएंगे, आधार कार्ड वो लेके जाएंगे ओरिजिनल वाला, आपको ओरिजिनल वाला आधार कार्ड वहाँ पे सेंटर पे लेके जाना है, जो कि PVC कार्ड पे निकला हो या गवर्नमेंट के द्वारा आपके घर भेजा जाता है वो वाला आपको कार्ड लेके वहाँ पे जाना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रिंट आउट निकाल लिया वो लेके चले गए, तो वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। PVC कार्ड वाला ले जाए, गवर्नमेंट द्वारा मंगाया वो लेके जाए, और एकदम ओरिजिनल लेके जाएँ, कोई एडिटिंग वेडिंग वाला लेकर नहीं जाएँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप उसके जगह अगर वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, वो भी पूरा, क्योंकि उसमें भी आपका पिता का नाम, आपका नाम, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र होता है और डेट ऑफ बर्थ पूरा होता है, इसलिए आप उसकी आईडी प्रूफ भी में वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं, वो भी कौन सा ओरिजिनल वाला। उसके बाद आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद अगर नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वो भी कौन सा ओरिजिनल वाला, क्योंकि सारी डिटेल्स से मेंशन होती है। नहीं है वो भी नहीं है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं ओरिजिनल वाला। इनमें से मतलब एक डॉक्यूमेंट इन सभी में से जो भी है, इनमें से आपको एक ही डॉक्यूमेंट की जो कि ओरिजिनल की वहाँ पे सेंटर पे ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं कि सभी के लेके जाना है, एक लेके जा सकते हैं वहाँ पे सेंटर पे, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ओरिजिनल आईडी प्रूफ, उसके बाद आता है PH कैंडिडेट, जो कि विकलांग कैंडिडेट है, PH कैटेगरी में जो बंदे आते हैं उनके लिए क्या करना है, जो PH का जो कि सर्टिफिकेट वो वहाँ पे लेके जाते हैं, तो वो क्या कहें फोटोकॉपी कुछ ले जाते हैं, तो इनको क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ, एडमिट कार्ड है जो कार्ड एडमिट कार्ड है आपका, उसके साथ साथ PH सर्टिफिकेट भी ले जाना है, कोई फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जानी है। क्योंकि मेरे बहुत से मैंने वीडियो बनाया, उसमें लोगों ने कमेंट किया कि सर PH कैंडिडेटों को वहाँ पे सेंटर पे दिक्कत होती है, तो मैंने वहाँ पे, मैं भी खुद भी जाता हूँ सेंटरों पे, तो देखता हूँ, तो वहाँ पे ये दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है, इस चक्रों में वो एग्जाम से उन्हें PH कैंडिडेट को निकाल दिया जाता है, इसलिए वो क्या करें ओरिजिनल लेके जाएँ, कौन सा आपका सर्टिफिकेट को ओरिजिनल लेके जाएँ, और जो कि एडमिट कार्ड तो साथ में उनको लेके ही जाना है। और बता देता हूँ सेंटर पे आपको क्या करना है, आपको जल्दी पहुँचना है, जब एंट्री स्टार्ट हो जाएगी तो 30 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाएंगे, एंट्री 30 मिनट पहले ही बंद हो जाएगी, इसलिए जो गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको 1.5 घंटे वहाँ पे सेंटर पे पहले पहुँच लेना है, क्योंकि पेपर दो पारियों में है, तो उसको आप चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है। और ध्यान में सेंटर पे जाने पे एक चीज़ों का और ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या सेंटर पे लेकर नहीं जाना है, सेंटर पे और चीज़ें आपको लेकर जानी है, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट हो गया, कोई ऐसा आइटम जो वहाँ पे सेंटर पे आप लेकर नहीं जाएँ जिससे आपको सेंटर से वहाँ निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको कपड़े एकदम सही नॉर्मल वे में पहन के जाने हैं, जूते की जगह स्लीपर पहन के जाएँ, पजामा टी शर्ट पहन के जाएँ, हल्के कपड़े पहन के जाएँ, ऐसा नहीं स्टील के बटन वाले कपड़े पहन के जा रहे हैं, जींस पहन के जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे सेंटर पे वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कोई इलेक्ट्रिक गैजेट का उपयोग ना करें इन सेंटरों पे ले जाने पर, और सबको ले जाइए। और पेन की बात कर लेते हैं, सेंटर पे पेन भी आपको वहाँ सेंटर पे पेन भी वहाँ पे क्योंकि दिया जाएगा आपको सेंटर पे, तो पेन भी आपको वहाँ पे सेंटर पे ले जाने की ज़रूरत
नहीं है। अगर ले जाना चाहते हैं तो पेन को आप वहाँ पे ले जा सकते हैं, क्योंकि पेन से भी आपका वहाँ पे काम चल जाएगा। तो इस तरह से पेन आप ज़रूर लेकर जाएं, मैं कह रहा हूँ पेन ज़रूर लेकर जाएं सेंटर पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि जो कि SSC ग्रेजुएट लेवल के जो कि एग्ज़ाम है, जो कि 2024 की जो कि 21-22 सितंबर को होने वाली है, उसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पूरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना, पूरा हमने वीडियो में डिस्कस किया। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है कि सर मेरा पास ये नहीं है तो मैं क्या ले जा सकता हूँ, तो अल्टरनेटिव आप मुझसे क्या कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल्दी करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।